Today we will start with problem number 16 of final accounts of sole proprietor. Final accounts of sole proprietor is topic of problem number 16. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 1984 and a balance sheet as on that date from the following trial balance. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 1984. So trading account for the year ended, date kitna hai? 31st December 1984. Profit and loss account for the year ended 31st December 1984. Balance sheet of after the blank space rakhna hai, as on kya ke date kitna hai 31st December 1984. तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 1984, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 1984, बैलेंस शीट ऑफ के आगे ब्लैंक स्पेस रखना है एज ऑन 31st December 1984. पहले एडजस्टमेंट्स का मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस के नीचे फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक इन हैंड ऑन 31st December 1984 वॉज रुपीज 1,20,000. स्टॉक इन हैंड ऑन 31st December 1984 वॉज रुपीज 1,20,000. तो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. 31st December एट द एंड ऑफ द ईयर का जो स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक है. तो क्लोजिंग स्टॉक इसके डबल इफेक्ट देना है. क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट देना है. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट देना है. एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट. सेकेंड एडजस्टमेंट इनवॉइसेस फॉर गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 परचेस्ड बिफोर 31st December 1984 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स. दीज गुड्स वेयर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक. सेकेंड एडजस्टमेंट जो है इनवॉइसेस फॉर गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 purchased before 31st December 1984 has been omitted from the books. Underline the word omitted from the books. इसका meaning लिखना है not recorded in the books. Omitted from the books इसका meaning है not recorded in the books. तो एडजस्टमेंट का मीनिंग आपको ब्रैकेट में लिख के दिया है अनरिकॉर्डेड परचेसेस. ये जो सेकेंड एडजस्टमेंट है इसका मीनिंग आपको ब्रैकेट में लिख के दिया है अनरिकॉर्डेड परचेसेस. इनवॉइसेस फॉर गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 परचेस बिफोर 31st December हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स. तो ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स इट मीन्स गुड्स हैव बीन परचेस्ड but they were not recorded in the books. Goods were purchased but they were not recorded in the books. So adjustment jo hai iska meaning hai unrecorded purchases. So trial balance mein aapko marking karna hai ye jo second word hai purchases isko marking karna hai. Trial balance mein purchases को मार्किंग करना है एंड क्रेडिटर्स को मार्किंग करना है.
इसके डबल इफेक्ट्स, अनरिकॉर्डेड परचेसेस के डबल इफेक्ट्स, एड इन परचेसेस एंड एड इन क्रेडिटर्स। तो परचेसेस को मार्किंग करना है, क्रेडिटर्स को मार्किंग करना है। थर्ड एडजस्टमेंट है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 500। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 500। यहां पे अंडरलाइन करना है इंक्रीज बाय 500, अंडरलाइन करना है इंक्रीज बाय 500, इसको अंडरलाइन करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये एडजस्टमेंट है न्यू आरडीडी। एडजस्टमेंट का मीनिंग है न्यू आरडीडी। तो ट्रायल बैलेंस में आपको मार्किंग करना है, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स को मार्किंग करना है एंड बैड डेट्स को मार्किंग करना है। ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करना है डेटर्स एंड बैड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसके डबल इफेक्ट्स, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ये फर्स्ट इफेक्ट, एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट एडिंग बैड डेट्स इज द सेकेंड इफेक्ट। तो डेटर्स को मार्किंग करना है, बैड डेट्स को मार्किंग करना है। लास्ट एडजस्टमेंट है कमीशन इंक्लूड्स रुपीज 600 रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न्ड। कमीशन इंक्लूड्स रुपीज 600 रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न्ड। तो अंडरलाइन करना है रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न्ड, रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न्ड। इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग आपको ब्रैकेट में दिया है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड दिस इज योर इनकम, कमीशन रिसीव्ड ये क्या है, ये इनकम है। तो एडजस्टमेंट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको दूसरा वर्ड है प्री रिसीव्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्री रिसीव्ड इनकम। तो ट्रायल बैलेंस में कमीशन रिसीव्ड को मार्किंग करना है, ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करना है कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव्ड जो है ये आपको ट्रायल बैलेंस में कमीशन का अमाउंट दिया है, ट्रायल बैलेंस में कमीशन को मार्किंग करना है। कमीशन का जो अमाउंट, ये जो क्रेडिट कॉलम है दिस इज कमीशन रिसीव्ड। ट्रायल बैलेंस में आपको कमीशन के सामने दो फिगर है, कमीशन का जो डेबिट कॉलम में फिगर है, कमीशन का ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट कॉलम है ये कमीशन पेड है, एंड कमीशन का जो क्रेडिट कॉलम है ये कमीशन रिसीव्ड है। तो एडजस्टमेंट किसको करना है, एडजस्टमेंट आपको कमीशन रिसीव्ड को करना है। मतलब कमीशन का जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में अमाउंट है इसको एडजस्टमेंट करना है, कमीशन का जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट कॉलम है इसको एडजस्टमेंट है। जिसको मार्किंग किया है वो इनर कॉलम में लिखना है, ट्रायल बैलेंस में जिसको मार्किंग किया है वो इनर कॉलम में लिखना है, जिसको मार्किंग नहीं है वो आउटसाइड कॉलम में लिखना है। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग फर्स्ट वर्ड है स्टॉक ऑन 1st January 84, स्टॉक ऑन 1st January 84। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है दिस इज ओपनिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है दिस इज ओपनिंग स्टॉक। तो इसका पोस्टिंग करना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम। ट्रायल बैलेंस में स्टॉक है 89,500 आउटसाइड कॉलम। ट्रायल बैलेंस में जो फर्स्ट वर्ड है स्टॉक, डेट दिया है 1st January 84। तो 1st January दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 1st January दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो दिस इज ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है डेबिट साइड
to opening stock, outside column 89,500. Next, what are purchases and sales? Purchases and sales. Debit column mein jo amount hai, this is purchases. And credit column mein jo amount hai, this is sales. So posting karna pehle purchases ka posting, trading account debit side to purchases. Below the purchases, leave three lines blank. Purchases के नीचे आपको three lines blank रखना है, because purchases को unrecorded purchases का adjustment है. Purchases जो है, इसको unrecorded purchases का adjustment है. तो purchases का amount आपको trading account में inner column में लिखना है. Purchases का amount है, debit column है 2,56,600. 2,56,600. Inner column. Purchases के नीचे leave three lines blank. Purchases के नीचे three lines blank रखना है. Sales. Sales. Trading account credit side. First line buy sales. Trading account credit side. फर्स्ट लाइन पे बाय सेल्स. सेल्स का जो अमाउंट है ये क्रेडिट कॉलम है 3,56,400. 3,56,400 इनर कॉलम लिखना है और एक लाइन ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट द सेल्स रिटर्न. सेल्स के नीचे एक लाइन आपको ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट सेल्स रिटर्न. तो purchases के नीचे आपको three lines blank रखना है. एक लाइन purchase return minus करने के लिए and एक लाइन unrecorded purchases इसका adjustment करने के लिए. purchases में से आपको purchase return minus करना है and unrecorded purchases add करना है. तो purchases के नीचे आपको three lines blank रखना है. नेक्स्ट वर्ड है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस. मैन्युफैक्चरिंग दैट इज फैक्ट्री वेजेस टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस. मैन्युफैक्चरिंग दिस इज कॉल्ड एज द फैक्ट्री वेजेस. तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटसाइड कॉलम अमाउंट आउटसाइड कॉलम 41,000. नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न्स. ट्रायल बैलेंस में रिटर्न्स के सामने दो फिगर्स है. रिटर्न का जो पहला फिगर है फर्स्ट फिगर दिस इज सेल्स रिटर्न. रिटर्न का ट्रायल बैलेंस में ये जो डेबिट कॉलम में फिगर है दिस इज सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट कॉलम में जो फिगर है दिस इज परचेस रिटर्न. तो रिटर्न का ध्यान रखना है. रिटर्न के सामने दो फिगर है. जो डेबिट कॉलम में फिगर है दिस इज ऑलवेज सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट कॉलम में जो है दिस इज ऑलवेज परचेस रिटर्न. तो रिटर्न का डेबिट कॉलम में जो अमाउंट है 2,800. रिटर्न का डेबिट कॉलम में अमाउंट 2,800. ये सेल्स रिटर्न इसको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स में से माइनस करना है. माइनस सेल्स रिटर्न इनर कॉलम 2,800. रिटर्न का ट्रायल बैलेंस में ये जो डेबिट कॉलम में फिगर है दिस इज सेल्स रिटर्न. तो इसको सेल्स में से माइनस किया है. माइनस करके आउटसाइड कॉलम लिखना है. तो आउटसाइड कॉलम में फिगर आ रहा है 3,53,600. सेल्स का आउटसाइड कॉलम में फिगर 3,53,600.
रिटर्न का जो क्रेडिट कॉलम में फिगर है, रिटर्न का जो क्रेडिट कॉलम में फिगर है, दिस इज परचेस रिटर्न, तो इसको परचेसेस में से माइनस करना है, तो परचेसेस में से माइनस करना है परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न इनर कॉलम में, इनर कॉलम 5400, रिटर्न का जो क्रेडिट कॉलम में फिगर है, दिस इज परचेस रिटर्न, तो इसको परचेसेस में से माइनस किया है, माइनस परचेस रिटर्न, माइनस करके अमाउंट इनर कॉलम में रखना है, परचेसेस में से ये परचेस रिटर्न माइनस करके अमाउंट ये रुपीस के इनर कॉलम में रखना है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है इनर कॉलम में 2,51,200 परचेसेस का इनर कॉलम में, इनर कॉलम मतलब रुपीस का फर्स्ट कॉलम 2,51,200 इन द इनर कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके बुक्स में राइट हैंड पेज पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट है 11,000 आउटसाइड कॉलम, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आउटसाइड कॉलम 11,000। नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू रेंट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, रेंट एंड टैक्सेस का अमाउंट है 5,600 आउटसाइड कॉलम, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अमाउंट आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है डिस्काउंट, डिस्काउंट के सामने ट्रायल बैलेंस में दो फिगर है, डेबिट कॉलम में जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट का जो डेबिट कॉलम में फिगर है, दिस इज डिस्काउंट अलाउड, एंड क्रेडिट कॉलम में जो फिगर है, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट के ट्रायल बैलेंस में दो फिगर है, वन इन द डेबिट कॉलम दिस इज डिस्काउंट अलाउड, एंड वन इन द क्रेडिट कॉलम दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो पहले डिस्काउंट का जो डेबिट कॉलम में फिगर है इसका पोस्टिंग करना है, डिस्काउंट का ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में फिगर है 5,900, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है डेबिट साइड टू डिस्काउंट का डेबिट कॉलम है 5,900 आउटसाइड कॉलम 5,900, एंड डिस्काउंट का क्रेडिट कॉलम में फिगर है 5,000, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड सेकेंड लाइन पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट आउटसाइड कॉलम 5,000। तो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट के ट्रायल बैलेंस में दो फिगर है, जो डेबिट कॉलम है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखा है, एंड जो क्रेडिट कॉलम है इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखा है। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। ट्रायल बैलेंस में ये जो डेबिट कॉलम में अमाउंट है, ये ड्रॉइंग्स है, एंड जो क्रेडिट कॉलम है ये कैपिटल है। ट्रायल बैलेंस में आपको वर्ड है कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, तो डेबिट कॉलम में जो अमाउंट रहता है ये रहता है ड्रॉइंग्स, एंड जो क्रेडिट कॉलम में रहता है ये रहता है कैपिटल। तो पहले कैपिटल का पोस्टिंग करेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन इनर कॉलम में कैपिटल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट
ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में देखना है, क्रेडिट कॉलम में 1,09,000 इनर कॉलम, 1,09,000 इन द इनर कॉलम। कैपिटल के नीचे लीव थ्री लाइंस, आफ्टर लीविंग थ्री लाइंस देन माइनस करना है ड्रॉइंग्स। कैपिटल के नीचे थ्री लाइंस ब्लैंक एंड देन माइनस करना है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का अमाउंट डेबिट कॉलम है, ड्रॉइंग्स का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम है 10,500 इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम। ड्रॉइंग्स के नीचे दो लाइन ब्लैंक रखे इनर कॉलम में एरो देना है, ड्रॉइंग्स के नीचे दो लाइन ब्लैंक रखना है इनर कॉलम में एरो देना है। तो कैपिटल का जो अमाउंट रहता है, कैपिटल का अमाउंट ये क्रेडिट कॉलम में रहता है एंड ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट रहता है, ड्रॉइंग्स का अमाउंट हमेशा डेबिट कॉलम में रहता है। नेक्स्ट वर्ड है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स डेबिट कॉलम में, डेबिट कॉलम में जो अमाउंट है डेटर्स एंड क्रेडिट कॉलम में जो है ये क्रेडिटर्स। तो डेबिट कॉलम में डेटर्स, बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स, अमाउंट इनर कॉलम में रखना है, अमाउंट इनर कॉलम में। डेटर्स का अमाउंट है डेबिट कॉलम में 62,000 इनर कॉलम, इसको एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन डेटर्स के नीचे ब्लैंक रखना है। डेटर्स के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स इनर कॉलम। वर्ड है ट्रायल बैलेंस में वर्ड है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को लिखना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट क्रेडिट कॉलम है, क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है ये क्रेडिट कॉलम है 59,600, 59,600 इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम में रखना है, एक लाइन क्रेडिटर्स के नीचे ब्लैंक रखना है। तो डेटर्स के नीचे एंड क्रेडिटर्स के नीचे एक लाइन आपको एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है कमीशन। कमीशन एक डेबिट कॉलम में फिगर है 2,800, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है एंड कमीशन का और एक अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना है। ट्रायल बैलेंस में कमीशन के सामने दो फिगर है, वन इन द डेबिट कॉलम एंड वन इन द क्रेडिट कॉलम। जो डेबिट कॉलम है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस डेबिट एंड जो क्रेडिट कॉलम है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। तो कमीशन का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू कमीशन, प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड टू कमीशन। कमीशन का डेबिट कॉलम है 2,800 आउटसाइड कॉलम, कमीशन का डेबिट कॉलम में अमाउंट है 2,800, ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पे टू कमीशन, आउटसाइड कॉलम 2,800। ये जो कमीशन है दिस इज कमीशन पेड, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जो लिखा है दिस इज कमीशन पेड। कमीशन का क्रेडिट कॉलम में जो अमाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना है बाय कमीशन इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम लिखना है। कमीशन का अमाउंट है 5,600 इन द क्रेडिट कॉलम, तो ये कमीशन रिसीव्ड है। कमीशन का ट्रायल बैलेंस में ये जो क्रेडिट कॉलम में अमाउंट है दिस इज कमीशन रिसीव्ड, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय कमीशन इनर कॉलम में, इनर कॉलम 5,600, इसको एडजस्टमेंट है तो एक लाइन आपको कमीशन के नीचे ब्लैंक रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कमीशन इनर कॉलम में, इनर कॉलम 5,600, एक लाइन आपको एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है
प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 26,000 आउटसाइड कॉलम, 26,000 इन द आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट है 1,900 आउटसाइड कॉलम, 1,900 इन द आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट है ऑफिस रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ऑफिस रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू ऑफिस रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू ऑफिस रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स आउटसाइड कॉलम, आउटसाइड कॉलम 3,400। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है इंश्योरेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू इंश्योरेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंश्योरेंस आउटसाइड कॉलम, इंश्योरेंस का अमाउंट है 400 आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट है बैड डेट्स, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेट्स, इनर कॉलम है बैड डेट्स का अमाउंट, इनर कॉलम इसको एडजस्टमेंट है, तो बैड डेट्स के नीचे लीव थ्री लाइंस, बैड डेट्स को एडजस्टमेंट है तो बैड डेट्स के नीचे आपको थ्री लाइंस ब्लैंक रखना है। बैड डेट्स का अमाउंट है 8,600 इनर कॉलम, 8,600 इन द इनर कॉलम, बैड डेट्स के नीचे लीव थ्री लाइंस ब्लैंक, बिलो द बैड डेट्स कीप थ्री लाइंस ब्लैंक। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रायल बैलेंस में वर्ड है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 9,000 आउटसाइड कॉलम, बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर एंड फिटिंग्स आउटसाइड कॉलम 9,000। नेक्स्ट वर्ड है 10% लोन फ्रॉम दलाल, 10% लोन फ्रॉम दलाल, तो लोन फ्रॉम दलाल दिस इज लोन टेकन फ्रॉम दलाल, 10% लोन फ्रॉम दलाल, तो दिस इज लोन टेकन फ्रॉम दलाल, तो इसका पोस्टिंग करना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 10% लोन फ्रॉम दलाल, दिस इज लोन टेकन फ्रॉम दलाल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 10% लोन फ्रॉम दलाल, अमाउंट है 18,000 आउटसाइड कॉलम, 18,000 इज द आउटसाइड कॉलम। आपको क्रेडिटर्स के नीचे, क्रेडिटर्स के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है, क्रेडिटर्स के नीचे एडजस्टमेंट के लिए आपको एक लाइन ब्लैंक रखना है,
Then write 10% loan from dalal. Outside column 18,000. Next है cash and bank balance. Sorry. Next word है bills. Trial balance में next word है bills. Bills के दो figure है. One in the debit column. This is bills receivable. And one in the credit column. This is bills payable. Trial balance में bills के सामने दो figure है. जो debit column में जो bills का figure है. जो डेबिट कॉलम में बिल्स का फिगर है ये बिल्स रिसीवेबल एंड जो क्रेडिट कॉलम है दिस इज बिल्स पेएबल. तो पहले बिल्स का जो डेबिट कॉलम में अमाउंट है, बिल्स का जो डेबिट कॉलम है इसको लिखना है बैलेंस शीट एसेट साइड बिल्स रिसीवेबल बिल्स Receivables 2000 outside column balance sheet asset side bills receivable outside column 2000 bills का जो credit column है bills का amount जो credit column है this is bills payable. तो balance sheet liability side bills payable bills payable. तो bills का amount है credit column में 2000 outside column. तो bills के दो figures है, एक debit column है जो asset side पे लिखा है bills receivable and bills का जो credit column है इसको liability side पे लिखा है bills payable. Amount है 2000 rupees in the outside column. Next word है cash and bank balance. Cash and bank balance. Balance sheet asset side. Cash and bank balance. Balance sheet asset side. Cash and bank balance, outside column 15,000. Then investments again in the balance sheet asset side. Investments balance sheet asset side.